हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बड़े होंगे बिल्कुल आपके अपने भाई की तरह। आज हम लोग खेलने जा रहे हैं कार फॉर सेल। और जैसे कि आपने पिछली वीडियोस में देखा था कि हमने बहुत सी गाड़ियां खरीदी और बेची यहां पर अपने यहां पर शोरूम में लेकर, तो आज हम लोग $1,00,000 का चैलेंज करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि मैं 3 गाड़ियाँ खरीद के लाया था और यहाँ पर ला के खड़ी कर दी थी। रात हो गई थी तो मैंने अपना शोरूम बंद कर दिया था और सोने के लिए चला गया था। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अपने ऑफिस में और यहाँ पर मैंने इसको ऑन सेल कर दिया गाड़ियों को, तीनों को, और अपने इनके रेट वगैरह डाल दिए, मैंने फ़िक्स कर दिए हैं। और यहाँ पर बाहर देख सकते हैं आप लोग, क्लाइंट वगैरह अपने आना स्टार्ट हो चुके हैं। तीनों गाड़ियों के पास क्लाइंट आ चुके हैं ख़रीदने के लिए। तो देखते हैं ये कितने दे रहे हैं। भाई ये तो कम दे रहे हैं, तो इनको ऑफ़र करते हैं अपन 11,000 का, अगर देंगे तो नहीं। चल भाई नहीं लेनी तो हटो साइड है। और ये बहुत ही कम दे रहे हैं भाई, इतने में तो आई भी नहीं। $32,000 का इनको ऑफ़र करते हैं, अगर ये लेंगी। नहीं ले रही तो जाइए मैडम, बहुत से लोग बैठे हैं वैसे भी लाइनिंग। ये तो भाई बहुत ही कम कह रहा है, इसको तो मैंने ऑफ़र ही नहीं दिया, पहले ही मना कर दिया। ये तब तो भी सही लग रहा है, इनको ऑफ़र दे के देख लेते एक बार। $10,000 का लेते हैं तो ठीक है। ली नहीं ली यार, चलो भाई नहीं लेनी मत लो। और ये 20,675 दे रहे हैं, इनको मैं 25,000 का ऑफ़र दे देता हूँ गाड़ी का। और इन्होंने भाई लिए कि नहीं, नहीं ली। चल भाई तू भी नहीं ले रहा तो मत ले। तो एक और ये मैडम आ चुकी हैं, तो इनको देखते हैं, इनको भी $25,000 का ऑफ़र दे के देखते हैं अगर लेंगी तो। इन्होंने भी नहीं लिया यार। चल भाई ये बंदा अच्छा लग रहा, कोट पैंट पहन गया, इसको $10,000 का ऑफ़र दे देते हैं अगर ये वाली गाड़ी। ओ भाई देखा, वो बंदा देखने से ही अच्छा लग रहा था, अच्छा कस्टमर भी था भाई। उसको 10,000 बोला, वो 10,000 में ख़रीद के चला गया। इनका भाई लग नहीं रहा $11,000 में ख़रीदेंगे, देख लेते हैं भाई। मालूम था नहीं ख़रीदेंगे, रिफ्यूज़ कर दिया। और एक ये बंदा है, इसको भी भाई $10,000 में बेच देंगे अगर लेनी है तो। भाई ले ले तेरे लिए ऑफ़र। नहीं लेने, अरे यार क्या इनको पूछते हैं यार ये लोग। ये वाली गाड़ी पता नहीं यार, मैंने इतनी महंगी खरीद ले आया लेकिन अभी बिक रही नहीं है। और भाई साहब एक और इन्होंने नहीं, चल भाई तू भी निकल फिर। और आपको लेनी है मैडम जी तो $10,000 की आपको ये वाली रेड वाली गाड़ी दे देंगे, अगर लेनी है तो ले लो। अरे भाई ले ली, चल भाई ये दोनों गाड़ियाँ रेड वाली तो $10,000 की बिक चुकी हैं, आप लोग देख सकते हैं। और एक और ये अंकल आ चुके हैं सूट पहन कर, तो ये भी अच्छे कस्टमर लग रहे हैं, अच्छे खासे घर के लग रहे हैं, रिच पर्सन। और इनको भी देखते हैं, अभी इन्होंने डिमांड तो $25,000 का डिमांड करते हैं इनसे, और लेनी है तो ले लो। ले ली क्या? नहीं ली भाई यार, क्या है इनको पूछ लेता हूँ। चलो यार भाई ऐसे ही थे अंकल तो। और मैंने इनको अब 24,000, ओ भाई ये $24,000 में बिक चुकी। और ये कौन है भाई, रेलिंग में ला के मारी ठोक दी इसने गाड़ी। अरे मैडम क्या हो गया, पीकर गाड़ी चला रहे हो क्या? वो ये मैडम आ रही हैं अपनी शॉप में आ रहे हैं, पता नहीं क्या गाड़ी वगैरह बेचनी होगी इनको, तो इनकी गाड़ी को एक बार पहले देख लेते हैं अच्छे से। और भाई गाड़ी तो अच्छी खासी महंगी लग रही है बहुत ही। खैर अंदर जाकर बात करते हैं इनसे कि क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों बेचना चाह रहे हैं। भाई ये बैठी है मैडम सोफे पे, बैठ जाती नीचे बैठ गई हैं। और ये 44,000 की पता नहीं कितने की कह रही, तो इनको मैं अभी मैं 32,000 का ऑफ़र कर देता हूँ। और नहीं दे रही यार, 35,000 का ऑफ़र करके देख लेता हूँ एक बार। अरे भाई ये भी रिफ्यूज़ कर दिया इन्होंने, अब कितने डालूँ यार। अरे भाई ये 4,47,000 था, मेरे को लगा 44,000 है, वो 4,47,000 था। इसको तो भाई रिफ्यूज़ ही कर दिया मैंने, हटा ही दिया भाई। इतनी महंगी गाड़ी कौन ही लेगी, इतना तो पूरा मेरा ऑफिस का बजट नहीं है जितना कि उसकी गाड़ी महंगी थी। खैर अभी चलते हैं अपन लोग बस पकड़ते हैं और कार मार्केट चलते हैं सीधा, और अच्छी अच्छी गाड़ियाँ खरीद कर लाते हैं। अपन को $1,00,000 का चैलेंज कम्प्लीट करना है आपको। और अभी हम लोग आ चुके हैं कार मार्केट। अरे यार कार मार्केट तो आज खुला ही नहीं है, बिल्कुल ऑफ रखा है। तो अभी फिर विलेज ही चलते हैं, वहाँ पे से एक अच्छी सी गाड़ी लेकर आते हैं महंगी सी, जो कि अपन अच्छे रेट में बेच सकें। तो अपन लोग आ चुके हैं विलेज में। तो ये गाड़ी एक वाइट अच्छी सी लग रही है मेरे को, देखते हैं ये कितने में बेच रहे हैं। कौन बैठा है भाई बताओ, कितने की बेच रहे हो? गाड़ी देखने में तो भाई बढ़िया लग रही, फर्स्ट क्लास। ये ब्लैक मैन बैठा है, ओल्ड मैन। वो ये मत्सुबिशी लैंसर एक्स, ये कौन सी कंपनी है भाई, अजीब सी पता नहीं चल रहा है। इनको मैंने 28,000 की ऑफ़र दिया है, ये देखते हैं कि नहीं माना इन्होंने। चलो भाई 30,000 करके देख लेते हैं, और 30,000 में भी नहीं लिया यार। तो चलो भाई 32,000 में दे रहा हो तो भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा भाई, इससे ज़्यादा की तो मैं ख़रीदूँगा नहीं। मॉडल तो खैर अच्छा है लेकिन और भी खरीदो, और भी गाड़ियाँ बहुत सारी इसी की, अकेले की नहीं है।
तो भाई इससे भी थोड़े बहुत भी कम नहीं कर रहा था, तो मैंने तो भाई इसकी गाड़ी को रिफ्यूज़ कर दिया। और आगे देखते हैं कोई अच्छी सी और गाड़ी और चलते हैं आगे की तरफ। और ये यहाँ पर ये वाली गाड़ियाँ तो बहुत बेकार है यार, आगे अच्छी सी गाड़ी देखते हैं। अपने पास अच्छा खासा बजट है आज तो। और ये ब्लैक वाली भाई लेफ्ट साइड में बहुत ही बढ़िया गाड़ी लग रही, क्या ही लुक निकल के आ रही है गाड़ी की। तो ये वाली खरीद के देखते हैं कितने की बेच रही है मैडम। तो भाई जल्दी से ख़रीद लेते हैं इनसे, देखते हैं। 44,000 डिमांड कर रही हैं, तो इनको हम 40,000 के ऑफ़र करते हैं। अगर ये नहीं बेचा भाई, रिफ्यूज़ कर दिया हमारा ऑफ़र इन्होंने, तो इनको 42,000 ऑफ़र करते हैं कि क्या पता ख़रीदने दें हमें। नहीं दे रही भाई, तो भाई उतने में ख़रीद ली। अभी हमने क्या ही कर सकते हैं यार, वो कर ही नहीं रहे कम। तो हम लोग अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए हैं और हमने सोचा है कि हम गाड़ी चला कर ले जाएंगे ऑफिस तक। तो जल्दी से हमारे ऑफिस का साइन आ रहा है, यहाँ से राइट लेना आगे से। तो मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी अपन अच्छी खासी खरीद ली है इतनी महंगी, तो थोड़ा ऑफ रोडिंग करते हैं। तो चलते हैं भाई सीधा, अभी रोड टू रोड नहीं, सीधा पहाड़ टू पहाड़ जाते हैं। सामने पहाड़ों पर चढ़ा देता हूँ मैं गाड़ी, और भाई सीधा ही ले जा रहा हूँ ये पहाड़ों से ऑफ रोडिंग करते हुए। और ये क्या ही जंप हुई गाड़ी, और ये गिर गई, और भाई स्टैंड हो गई है, तो गाड़ी स्टंट हो रहा है, विली हो गई गाड़ी से, बैक विली, बैक फ्लिप हो गई गाड़ी। तो भाई अभी टकराते घूमते फिरते हम पहाड़ों से कूदते हुए आ चुके हैं, जंपिंग कराते अपनी गाड़ी को लेकर आ चुके हैं। और थोड़ी बहुत शायद रिपेयर और करानी पड़ेगी, क्योंकि हमने इतने इसको फ्लिप करा दिए और उसको खुदाया वगैरह, तो भाई थोड़ी बहुत डैमेज हो चुकी होगी। खैर अभी चलते हैं यहाँ पर और थोड़ा सा इसको रिपेयर करवाते हैं। भाई साहब, अरे भैया भैया मेरी गाड़ी रिपेयर करोगे क्या? यस कालू भाई, जल्दी से गाड़ी हमारी रिपेयर कर दो, आपके जैसी हम काली काली गाड़ी लेकर आए हैं। तो भाई जल्दी से इसको इंटेक्ट करते हैं और इसको वॉश कराते हैं पहले गाड़ी, और फिर इसको रिपेयर भी करो। भाई इसकी रिपेयरेंस भी बहुत कर रही हुई है भाई, जितने में देखा गाड़ी आती 4,670 डॉलर की हुई है। भाई महंगी गाड़ियों का ऐसा ही है कि महंगी गाड़ियों की महंगी रिपेयर ही होती है भाई, मेंटेनेंस बहुत होती है गाड़ियों की। तो जल्दी से ले जाकर इसको हम अपनी गाड़ी को ऑफिस में खड़ा करते हैं और फिर इसको अच्छे से प्राइस लगाएंगे। मैं समथिंग 70-75 हज़ार डॉलर लगा दूंगा इसके, क्योंकि ऑलमोस्ट 50,000 डॉलर की पड़ गई, क्योंकि 45,000 डॉलर की हमने ख़रीदी थी और 4-5 हज़ार डॉलर ऊपर इसके रिपेयरिंग का चार्ज लग गया। तो इसको कम से कम भाई 70-75 हज़ार डॉलर की बेचूंगा मैं, देखते हैं बाकी कितने की बिकती है। बार्गेनिंग करने से ही पता चलेगा कि कितने तक ये बिक सकती है, इसकी कितनी हुआ है गाड़ी की। भाई ये देखो 44,000 कितनी खरीदी, तो उसके ऊपर 5,000 हमारा खर्चा हो चुका था, सामने वॉश कराई और इसको रिपेयर करवाया था। तो अभी मैंने इसका 75,000 डाल दिया है प्राइस और ऑन सेल कर दी है गाड़ी। तो भाई आज हमें $1,00,000 का चैलेंज पूरा कंप्लीट करना है, कि अगर पूरा हो जाता है आज की वीडियो में, तो आप लोग मेक श्योर कि लाइक करेंगे वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। भाई आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। ये भैया का भी हम सब्सक्राइब कराएंगे अपने चैनल। और ये क्लाइंट आ चुके हैं अपने, इनसे इंटरेक्ट करते हैं कि कितने दे रहे हैं। भाई साहब गाड़ी तो महंगी है ये भाई, आते इन्होंने 59,497 लगा, लेकिन अपने इनको 70,000 का ऑफर करते हैं। नहीं खरीद रहे भाई, जाओ भाई तुम जाओ, तुम ले नहीं पाओगे। एक और मैडम जी आई हैं, इनसे पूछते हैं ये कितने में ख़रीदेंगी। तो भाई अच्छी खासी रेट में बिकेगी गाड़ी तो ही मैं खरीदूँ बेचूँगा, वरना नहीं बेचूँगा भाई। 70,000 इनको भी ऑफ़र करते हैं, जो उनको लास्ट वक्त टाइम पे किया था वो भाई इन्होंने ख़रीद लिया। और ये 70,000 की गाड़ी हमने अच्छे खासे प्रॉफिट, 20,000 प्रॉफिट में हमने अपनी गाड़ी बेच दी है। और जल्दी से चलते हैं फिर से कार मार्केट में, और एक अच्छी अब तक शायद खुल जाना चाहिए कार मार्केट, तो अभी चल के देखते हैं कार मार्केट खुला है कि नहीं खुला, और वहाँ से एक और अच्छी सी गाड़ी खरीद के लाते हैं लग्जरी कार, जो कि हम अच्छे रेट में बेचें और अपना चैलेंज कंप्लीट करें। अरे भाई अभी तक कार मार्केट नहीं खुला, तो जल्दी से विलेज ही चलते हैं, वहीं से एक आध अच्छी सी लग्जरी कार लेकर आते हैं। और जगह देख सकते हैं, मैं बस पकड़ के विलेज जा चुका हूँ, और जल्दी से चलते हैं कोई अच्छी सी गाड़ी ढूंढते हैं। एक ये वाइट कलर की भाई पिछली बार मैंने रिजेक्ट कर दी थी, तो ये भी गाड़ी भाई अच्छी खासी है, इनसे बात करके देखते हैं चचा से, अगर दे रहा हूँ कम रेट में लेंसर हम ले लें। लेंसर गाड़ी भाई, गाड़ी तो अच्छी, $32,000 का हमने ने कर दिया भाई, नहीं कर रहा है कम यार। चलो खैर हमने खरीद ही लिया, अब भाई चला कर नहीं जाएंगे, इसको सीधा भेजते हैं ऑफिस और टो करा देते हैं। यहाँ से व्हीकल को हमने टच किया और टो करा दी है गाड़ी, और वो हमारे ऑफिस पहुँच चुकी होगी। तो जल्दी से अभी हम चलते हैं, बस पकड़ते हैं और अपने ऑफिस पहुँचते हैं, और जल्दी से इसको लगाएंगे बेचने के लिए।
भाई गाड़ी तो खूब अच्छी है। देखो भाई अपने ऑफिस पहुंचा दी हुई है, टो करा दी हुई है अपने। और ये देखो भाई अपने जितनी ड्रिफ्ट की है गाड़ियाँ, उसके निशान, टायरों के निशान आ रखे हैं यहाँ पर बहुत सारे। और हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं, स्टार्ट कर दी, क्या ही आवाज़ आ रही है गाड़ी की भाई साहब एकदम। लेकिन भाई 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 वो ठुक गई। चलो भाई इसकी ब्रेकिंग तो है ही नहीं भाई इसमें, जल्दी से बैक ले जाकर इसको सीधा ले जाते हैं अपने गैरेज में और इसको अच्छे से रिपेयर करा देते हैं, क्योंकि अपने अभी ठोक दी है गाड़ी और पहले से भी थोड़ी बहुत डैमेज थी, तो अभी इसको बढ़िया तरीके से वॉश कराते और रिपेयर कराते फिर अच्छे रेट में बेचेंगे इसको भी। समथिंग भाई 60-65 हज़ार से कम तो नहीं बेचूंगा मैं। तो भाई जल्दी से इसको, भाई इसका भी मेंटेनेंस देख रहे हो आप, लेंसर का भी रिपेयर हो रहा है $3115 में और $40-50 का वॉश हुआ है। तो अभी जल्दी से ले जाकर हमने सब गाड़ी का काम करा दिया, एकदम ओके हो गई है, एवन हो चुकी है गाड़ी। तो इसको ले जाकर सीधा बैक में ले जा रहा हूँ मैं और लगाते हैं अपने ऑफिस के बाहर। और भाई साहब अभी तो आप देख सकते हैं कि एकदम आराम आराम से चला रहा हूँ, क्योंकि अभी मैं इतने सारे डॉलर खर्च करके आया हूँ इसमें रिपेयर कराने में। तो अभी हमने अपने ऑफिस में लगा दी है बाहर ले जाकर, और जल्दी से चलते हैं इसके ऑन सेल लगाते हैं गाड़ी को और अच्छे खासे पैसे कमाएंगे इस गाड़ी से। तो भाई 33 हज़ार की मतलब समथिंग अपने को ये 37-38 हज़ार डॉलर की पड़ी थी, तो इसका मैंने 65,000 डिमांड रख दिया है गाड़ी का, ऑन सेल कर दिया है। तो अभी देखते हैं कस्टमर वगैरह आते हैं या अपने क्लाइंट वगैरह, और उनको अच्छे रेट में बेचेंगे भाई। तो ये गाड़ी अच्छे रेट में 60-62 हज़ार डॉलर की बिक जाए तो भाई अपना $1,00,000 का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप लोग लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और ये अपना क्लाइंट आ चुका है भाई इस गाड़ी के पास, देख रहा है उसको अच्छे से गाड़ी। भाई 45 हज़ार इतने कम में तो नहीं बेचूंगा भाई मैं, कम से कम भाई 62 हज़ार में तो चाहिए भाई। ले रहे हो तो ले लो, नहीं तो भाई जाओ बाय बाय, और कोई आ जाएगा कस्टमर। यार कस्टमर तो बहुत, अरे यार रात हो गई। ओ भाई साहब क्या चमक रहा अपना कार फॉर सेल, देख रहे हो भाई अपना ऑफिस का जो ऊपर लिखा ना कार फॉर सेल, भाई क्या ही ग्लो कर रहा है भाई इतनी अंधेरे में, क्या मस्त लग रहा है। चलो भाई जल्दी से सोने चलते हैं, क्योंकि अभी अंधेरा हो चुका है, तो अभी कस्टमर वगैरह तो वैसे भी कोई नहीं आएगा। तो अपन जाके सोते हैं, अपनी नींद पूरी करते हैं, क्योंकि सुबह के थके हुए अपन, इतने गाड़ियाँ बेची, कस्टमर से डील की। तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं अभी अपन लोग सोकर उठ चुके हैं और अपनी गुड मॉर्निंग हो चुकी, तो आप सभी को भी गुड मॉर्निंग। और अपने ओपन को ऑफिस को आप जल्दी से ओपन करते हैं, तो गाड़ी अपनी ऑन सेल है ही वैसे भी। उसके अलॉय भी देख रहे हो भाई दूर से चमक रहे हैं, क्या ही मस्त लग रहा है लेंसर के अपने के। तो भाई अपना सुबह का फर्स्ट कस्टमर आ चुका है, क्लाइंट आ चुका है अपना गाड़ी के पास। तो अभी जल्दी से मैडम के पास चलते हैं और इनको पूछते हैं आप कितने डिमांड, अपन इनसे $62,000 का डिमांड करते हैं गाड़ी का। अरे भाई इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, चलो लास्ट इनको 60,000 लगा देते हैं, अगर बिकेगी तो बिकी जाए, अपन भी जल्दी अपने शोरूम को खाली करें जिससे न्यू न्यू गाड़ियां भर सकें। ओ भाई अपनी गाड़ी बिक चुकी है और अपना इसी के साथ $1,00,000 का चैलेंज कंप्लीट हो चुका है। तो इस बात पे लाइक करना तो बनता है भाई, वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। मिलते हैं ऐसे किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।